डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। ओपन योर बुक्स, ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश, एंड वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन माय अर्ली होम। एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज बी, वर्किंग विद वर्ड्स। ओपन योर बुक पेज नंबर 30 एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। एड नॉट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपने नॉट ऐड करना है, ठीक है? ये नॉट ऐड करना है। यू विल हैव टू चेंज सम ऑफ द वर्ब्स। आपको कुछ वर्ब्स भी चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है? तो जब हम नॉट ऐड करते हैं तो उसके साथ डू नॉट या डिड नॉट आता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो हम पास्ट में ही यूज़ करते हैं, डिड आता है साथ, और अगर प्रेजेंट में हो तो डू आता है, ठीक है? तो इसमें सारे पास्ट ही थे तो मैंने सब के साथ डिड अप्लाई किया है, ठीक है? आप देखिए, ब्लैक ब्यूटी एट ग्रास। ब्लैक ब्यूटी ने घास खाया, ठीक है? तो यहाँ पे उसने पास्ट में ये काम किया था, इसलिए डिड आया है, ठीक है? पास्ट में जो भी काम हुआ हो वो डिड आता है उसके साथ, अगर प्रेजेंट में हो तो डू। ब्लैक ब्यूटी डिड नॉट ईट ग्रास, ठीक है? डिड हमारी सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए जहाँ पे डिड आए उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए मैंने ईट अप्लाई किया, ठीक है? एट को ख़त्म कर देंगे, आप लिखेंगे ब्लैक ब्यूटी डिड नॉट ईट ग्रास, ठीक है? इस तरह से आपने राइट करना है, समझ आ गई? नेक्स्ट देखें, द मास्टर वेंट टू मार्केट। मास्टर यानी कि जो मालिक था वो बाजार गया, मार्केट में गया। वेंट भी सेकंड था, पास्ट में था, ठीक है? सेकंड फॉर्म है गो की, तो इसलिए अब इसके साथ भी आएगा। द मास्टर डिड नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है? मालिक मार्केट नहीं गया। नेक्स्ट देखें, द कॉल्स लाइक्ड रफ प्ले, यानी कि जो अहमक घोड़े थे वो गंदा खेल पसंद करते थे, ठीक है? तो लाइक्ड ये माजी का था, ठीक है? माजी में है, इसलिए इसके साथ डिड नॉट आएगा। द कॉल्ड्स डिड नॉट लाइक रफ प्ले, ठीक है? डी आप कट कर देंगे तो लाइक रहेगा, ठीक है? लाइक करना है आपने। द कॉल्ड्स डिड नॉट लाइक रफ प्ले। नेक्स्ट है आपका, द मास्टर मूव्ड स्लोली। द मास्टर डिड नॉट मूव स्लोली, ठीक है? डी नहीं आएगा साथ, मूव तक रहेगा। द मास्टर डिड नॉट मूव स्लोली, ठीक है? मालिक आहिस्ता ना चला। डिक हर्ड अ साउंड इन द बुशेस, झाड़ियों में डिक ने एक आवाज़ सुनी, ठीक है? ये भी माजी में था इसलिए डिड नॉट आया है। डिक डिड नॉट हर, ठीक है? हेयर आएगा इधर, ये हर्ड पढ़ते हैं इसको सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे आप हेयर पढ़ेंगे। डिक डिड नॉट हेयर अ साउंड इन द बुशेस, ठीक है? झाड़ियाँ होती हैं बुशेस, डिड नॉट आएगा और इधर फर्स्ट फॉर्म आएगी। उधर आगे आप करेंगे, डिक डिड नॉट स्पीक काइंडली टू द हॉर्सेज, ठीक है? स्पोक की जगह स्पीक हो जाएगा क्योंकि सेकेंड फॉर्म डिड की हमारे पास आ गई है और ये फर्स्ट फॉर्म आएगी फिर, स्पोक स्पीक, ठीक है? स्पीक की सेकेंड फॉर्म है स्पोक और थर्ड है स्पोकन। डिक डिड नॉट स्पीक काइंडली टू द हॉर्सेज, ठीक है? इस तरह से आप करेंगे, ये आपका डन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पिक आउट, आपने प्रोनाउंस को फाइंड आउट करना है। पिक आउट द ऑल द प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेज गिवन बिलो, इसमें आपने जितने भी प्रोनाउंस हैं उनको पिक करना है। ये मैंने आपके लिए अंडरलाइन कर लिया है। आई एम अ हॉर्स प्रोनाउन वो होता है जो कि नेम की जगह पे यूज़ होता है। जैसे कि आप अगर कहते हैं कि ये अली है और ये मेरा दोस्त है, ठीक है? अली मेरा दोस्त है और वो एक अच्छा लड़का है। जब आप अली मेरा दोस्त है कहते हैं उस वक्त आप उसका नाम यूज़ कर रहे हैं। जब आप कहते हैं कि वो एक अच्छा लड़का है तो उसमें जो वो है ना वो आपका प्रोनाउन है, ठीक है? यानी कि वो। तो यहाँ पे इंग्लिश में जब हम करेंगे आई एम अ हॉर्स, मैं एक घोड़ा हूँ, एंड माई नेम इज़ ब्लैक ब्यूटी, और मेरा नाम ब्लैक ब्यूटी है, तो यहाँ पर वो अपने आप को बता रहा है और यहाँ पर वो अपने नाम की जगह पर फिर अगेन माई लगा रहा है, तो ये उसका प्रोनाउन है, ठीक है? दिस इज़ द फार्मर, ये किसान है। ही इज़ कॉल्ड मिस्टर जॉन्स, ये मिस्टर जॉन्स कहलाता है। आप देखें यहाँ पे ये फार्मर का कह रहा है और ही जो है ये इसका प्रोनाउन है, ठीक है? ही गिव्स अस कैरेट्स एंड हे, ये हमें कैरेट्स देता है। यहाँ पे ये देखें ही जो है ये इसका प्रोनाउन है, ठीक है? जबकि फार्मर के नेम की जगह पे वो यूज़ हुआ है, ठीक है? ये हमें गाजरें और खाने के लिए कुछ देता है। उसके बाद अगेन वी हैव अ लॉट ऑफ हॉर्सेज इन आर फील्ड, वी जो है ये भी हमारा प्रोनाउन है। आई लाइक वॉचिंग दैम गैलप, मैं उन्हें तेज दौड़ते हुए पसंद करता हूँ। दैम जो है ये भी हमारा प्रोनाउन है, ठीक है? ये सारे आपने इसी तरह से अंडरलाइन करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, कम्प्लीट दीज सेंटेंसेज यूजिंग टू एंड अ वर्ब, ठीक है? आपने टू लगाना है और वर्ब भी लगाना है और इनको कम्प्लीट करना है। द बॉयज़ वर अलाउड,
यहाँ तक करना है और उसके बाद टू भी आपने मस्ट लगाना है और कोई भी वर्ब लगाना है और अपना सेंटेंस आगे कंप्लीट करना है। ये मैंने आपके लिए किए हैं। द बॉयज़ वर अलाउड टू प्ले फुटबॉल, फुटबॉल लड़के जो हैं उनको फुटबॉल खेलने की इजाज़त दे दी गई थी। नो बॉडी इज़ परमिटेड टू गो इन टू द गार्डन, किसी को भी बाग में जाने की इजाज़त नहीं है। रहीम लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, रहीम जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। द बिल्डर्स वॉन्टेड टू फिनिश वर्क फास्टली, जो बिल्डर्स थे यानी कि जो माहिर तामीरात थे वो जल्दी काम ख़त्म करना चाहते थे। वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू वर्क हार्ड, हमने हमेशा मेहनत करने की कोशिश की है। आई लॉन्ग टाइम ट्राइड टू गेट गुड मार्क्स, मैंने काफ़ी अर्सा अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश की है। ठीक है, ये आपका आज का लेक्चर है, आपने इसको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है, डन करना है। क्लास वर्क में आपने ये मुझे बुक पे ही करके दिखाना है और होमवर्क में आपने ये नोटबुक्स पे करना है। ठीक है, जहाँ से समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।